विधानसभा में कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने उठाया खुले में नमाज का मुद्दा। सीएम मनोहर लाल ने दिया जवाब, कहा भगवान के ध्यान के लिए मंदिर मस्जिद बने हुए, सदन की कार्यवाही। सदन में भर्ती घोटाले मामले पर बोले सीएम मनोहर लाल, पेपर लीक के गिरोह को पकड़ा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद की किल्लत पर सदन में हंगामा, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया जवाब, कहा प्रदेश में नहीं डीएपी की किल्लत, सोशल साइट्स पर ना फैलाएं भ्रम। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ताओं के परीक्षण शिविर में पहुंचे पंजाब में किसानों की ओर से रेल ट्रैक जाम पर बोले धनखड़, कहा कि पंजाब सरकार किसानों की मांगों को माने, केंद्र सरकार तो पहले ही मान चुकी। किसान नेताओं की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने को धनखड़ ने अच्छा कहा और कहा कि राजनीति में आने से आपकी सोच विस्तृत होती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भिवानी शहर में हिंदू जन जागरण यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने भगवा कपड़े पहने और माथे पर तिलक लगाकर शहर में हिंदू धर्म का प्रचार किया। प्रदीप बंसल और वरुण बजरंगी ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हर समय है तैयार। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में दोनों दलों ने मिलकर पूरे शहर में यात्रा निकाली। कुरुक्षेत्र में थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने नगर परिषद थानेसर की तरफ से न्यू कॉलोनी के सनातन धर्म मंदिर के सभागार में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्घाटन किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के प्रयास किए जाएंगे। रेवाड़ी में लंबित मांगों को पूरा करने के लिए पिछले 14 दिनों में पूरे प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरना, कहा 14वां दिन है। पिछले 14 दिनों से बड़ा तालाब पर सुभाष पार्क में आंगनवाड़ी कर्मचारी धरना देकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रही हैं। आज धरना स्थल से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने निवास पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को एक बार फिर कड़े शब्द में चेतावनी दी। आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 12 में पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी वर्करों ने कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग है कि सरकार उनको पक्के कर्मचारियों में घोषित करे और सरकार उनसे ऑनलाइन जो काम करवा रही है उसको बंद करे, पक्के कर्मचारी की तरह उन्हें वेतन भी बढ़ा कर दिया जाए। पानीपत लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने हड़ताल और धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। धरने का नेतृत्व कर रहे राज्य महासचिव ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार लगातार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे राज्य महासचिव संतोष रावल ने कहा कि लगातार धरना प्रदर्शन से वर्करों में उत्साह बढ़ रहा है और वह जागरूक होकर घर से बाहर निकल रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने आदेश पर खनन कार्य बंद किया है, जिससे खफा और परेशान क्रशर मालिक और मजदूर सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे और सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। क्रशर यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी कि वो 2 दिन बाद अपने क्रशर खाद चालू करेंगे और सरकार ने रोका तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। फतेहाबाद के बस स्टैंड पर लाठियों से लैस होकर कॉलेज की छात्राएं घूम रही थी। कॉलेज के बाहर छात्रों ने 2 गुटों में आपसी भिड़ंत हुई थी। इसी के चलते फतेहाबाद बस स्टैंड पर दोनों गुटों की छात्राएं अपने हाथों में लेकर डंडे घूम रही थी। फतेहाबाद बस स्टैंड के सीसीटीवी में वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल। डंडे लेकर घूम रही छात्राओं की वीडियो हो रही वायरल। छात्राओं की इस हरकत के चलते फतेहाबाद बस स्टैंड पर हड़कंप का माहौल मच गया। गोहाना में राजमहल
होटल और नए बस स्टैंड के सामने नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर से गाड़ी में सवार गर्भवती महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। नलवा के गांव गुंजार में राजकीय प्राथमिक पाठशाला की हालत जर्जर बनी हुई है। प्राथमिक पाठशाला में मेन गेट पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और गंदगी के बड़े ढेर लगे हैं। स्कूल के कमरों के छत के टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं, जो किसी भी समय किसी हादसे को न्यौता दे रहे हैं। गांव के स्कूल के शौचालय और पीने के पानी की टंकी को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया गया है। कैथल पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर परीक्षा पास करने वाले मास्टरमाइंड समेत चार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह का सरगना चंडीगढ़ बुड़ेल जेल में तैनात हेड क्लर्क संजय है, जो मूल रूप से जोध के छात्र गांव का रहने वाला है। पुलिस ने नकदी के साथ ही आरोपियों के पास से बैंकों के 10 कार्ड और दूसरे दस्तावेज बरामद किए। ये गिरोह सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर बैठकर दूसरों को बिठाकर परीक्षाएं पास करवाते थे और मोटी रकम वसूला करते थे। फरीदाबाद में युवा सुमेर हांडा बख्शी को देश के नामी गिरामी लोगों के गंगा पुत्र की संज्ञा दी है। मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें गंगा की स्वच्छता को लेकर उनकी ओर से धरातल पर किए जा रहे प्रयास के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संख्या अर्थ डे की ओर से राइजिंग स्टार। सुमेर बख्शी ने न केवल खुद गंगा की स्थिति को सुधारने की ठानी, बल्कि विदेश युवाओं को भी प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह है कि अन्य देशों के युवा भी गंगा की सफाई के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर ऐलान किया कि 134 के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं देंगे, क्योंकि सरकार निजी स्कूलों को उनका बकाया नहीं दे रही है। जब तक उनका बकाया नहीं मिलता, तब तक स्कूलों में इन बच्चों को प्रवेश नहीं देगा। सैकड़ों अभिभावक बच्चों को आवंटित हुए स्कूलों के दर्जनों चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन स्कूल उन्हें प्रकाश अब जवाब दे रहा है, उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हर खबर हरियाणा का रियलिटी चेक। फरीदाबाद के सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड में अवैध निर्माणकर्ताओं ने सरकारी कार्रवाई को ठेंगा दिखाया। फरीदाबाद नगर निगम की ओर से लाई गई सील तोड़ कर निर्माण कार्य जारी है। कुछ दिन पहले ही ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम ने इमारत सील की थी। जीन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुहर्रा नस्ल के भैंस ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। 11 करोड़ की कीमत वाले भैंसे ने हिमाचल में कृषक रतन अवार्ड जीता है, जिसके लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने भी भैंस को सम्मानित किया। भैंसे का नाम रुस्तम है। उसकी ऊंचाई 5.5 फीट और लंबाई 14.9 फीट है। वहीं अब रुस्तम का आधार कार्ड बनवाने की तैयारी की जा रही है। 6 बार अंतर्राष्ट्रीय पर भारत का नेतृत्व करने वाला रुस्तम 26 बार का नेशनल विनर है। हथनी के फिरोजापुर राजपूत गांव में नीम के पेड़ पर 26 साल युवक का शव लटका मिला, जिससे ग्रामीणों ने हड़कंप मच गया। मृतक युवक पिछले 5 दिनों से घर से लापता था। सूचना मिलते ही युवक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि गुरास्कर गांव के 6 नामजद लोगों ने के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अंबाला में अलग अलग शहरों से आए रेलवे के 108 पॉइंट्समैन कर्मचारियों ने प्रमोशन प्रक्रिया से बाहर करने पर रेलवे विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर अंबाला रेल मंडल के प्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ कर्मचारियों ने रेलवे विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका प्रमोशन नहीं किया गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सिरसा में कोर्ट में वकील और महिला पुलिसकर्मी के बीच हुई कहासुनी को लेकर वकील दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उनके साथ वकील का कॉलर पकड़ लिया, जिसको लेकर वकील सोमवार को भी हड़ताल पर थे। हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति कार्यालय के सामने सहायक प्रोफेसरों का धरना 6ठे दिन तक चालू है और अब उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है।
ऋतु चोपड़ा और नीरज वर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत सरकार की तरफ से जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो शिक्षा नीति 31 जुलाई 2022 से लागू होगी। रतिया में गांव का एक ब्राह्मण परिवार गरीबों की जिंदगी जी रहा है। 10 बाय 8 फुट के एक छोटे कमरे और कच्चे कमरे में उनका पूरा परिवार रह रहा है। कमरे में ही खाना पकाया जाता है। अभी तक उनका पीला कार्ड भी नहीं बन पाया है, बल्कि बार बार मदद की गुहार लगाने पर भी प्रशासन उनकी कोई अधिक सहायता नहीं कर रहा। परिवार का मुखिया दिव्यांग है, फिर भी प्रशासन का दिल नहीं पसीज रहा है। फतेहाबाद के बाईपास माजरा रोड पर देर रात सड़क हादसा हुआ। गाड़ी ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हुआ। घायल युवक को नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पिता की पहचान अमनदीप निवासी। भादुरगढ़ में नगर परिषद के तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताली कर्मचारियों के परिषद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो हड़ताल जारी रहेगी। इसी के साथ कर्मचारी नेता राजपाल ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से डीएमसी झज्जर ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कमेटी के हर सदस्य से बातचीत कर 13 दिसंबर तक तो सामने सभी स्कीमों और सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने और उनकी शिकायतों को निपटने के लिए उपमंडल कार्यालय सुशासन सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार की जनहित सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ उनकी शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया जा रहा है। साथ ही तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने बताया कि इस बार पूरे सप्ताह को सुशासन सप्ताह रूप में बनाया जा रहा है। यमुनानगर के डीपीएस स्कूल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल हासिल किया। इसके साथ साथ इस विद्यार्थी का खेलो इंडिया के लिए भी चयन हुआ है। विद्यार्थी ने अपनी जीत पर अपने कोच, स्कूल और अभिभावकों को श्रेय देते हुए उनका धन्यवाद। पानीपत हंसी बुटाना नहर में मिले शव की शनाख्त हुई। मृतक की पहचान पफड़ाना निवासी जोगिंदर के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। पानीपत के अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। बता दें कि 14 दिसंबर को जोगिंदर फफड़ाना से लापता हुआ था। हरियाणा स्टेट विजिलेंस टीम ने हिसार तहसील कार्यालय में छापेमारी की। टीम के 3000 की रिश्वत लेते हुए क्लर्क को गिरफ्तार किया। आरोपी क्लर्क नवनीत पंघाल तहसीलदार हरिकेश गुप्ता के दफ्तर में कार्यरत। मिली जानकारी के अनुसार नवनीत पंघाल ने शादी प्रमाण पत्र जारी करवाने के नाम पर 3000 रुपए की मांग रिश्वत रख रहा था। इस बारे में लांगड़ी गांव निवासी एक युवक की तरफ से डीसी को शिकायत दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने करीबन 2500 रुपए गूगल पे के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए थे। टीम आरोपी क्लर्क को पकड़कर विजिलेंस दफ्तर लेकर गई। फिलहाल विजिलेंस टीम की तरफ से इस बार में कोई खुलासा नहीं किया गया है। यमुनानगर में पुलिस ने पिछले कई महीनों से एक अनोखी मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जो लंबे समय से नशे की लत से फंसे हुए हैं। उनकी पहचान करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के समक्ष लाया जाता है। उसके बाद उनकी काउंसलिंग की जाती है, फिर उन्हें नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसके बाद ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर नशा छुड़वाने की इस मुहिम में अभी तक पुलिस को भारी सफलता मिली है। यमुनानगर में विभिन्न इलाकों से अभी तक ऐसे 300 कॉल पुलिस के पास आ चुके हैं और 216 लोगों का अभी भी एक तक इलाज शुरू किया है, जबकि 15 मरीजों का इलाज एक विशेष कैंप में किया जा रहा है। करनाल में नहरों में रोजाना कोई न कोई शव मिलने का सिलसिला जारी है। करनाल के नड़ाना गाँव के पास नहर में लोगों ने एक शव को तैरते हुए देखा, जिसके बाद गाँव के लोग इसकी जानकारी करनाल पुलिस को दी। करनाल पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी ने रस्सी के सहारे शव को नहर के किनारे लगाया। शव पर कोई चोटों का निशान नहीं है। वहीं करनाल पुलिस ने सभी पहलुओं को लेकर जांच शुरू कर दी।
कैथल हरियाणा का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर लोगों को बिना वैक्सीनेशन लगवाए किसी भी सरकारी कार्यालय में एंट्री करने पर रोक लगाई गई है। कैथल में उपायुक्त प्रदीप दहिया की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसने अब तक कोई भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है उनको लघु सचिवालय के अलावा किसी भी सरकारी कार्यालय में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। अम्बाला की सेंट्रल जेल की महिला कैदी भी अब बेहद जल्द जेल में रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आएंगी। जेल में महिला ब्लॉक के रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। इस साल जेल में जेल रेडियो की शुरुआत की गई है, जिसके बाद महिला कैदियों ने भी रेडियो के संचालन की इच्छा जताई है। पहले चरण में 6 महिलाएं कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। करीब एक साल से बंद पड़े रामायण टोल प्लाजा की जल्द ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अब टोल और कई दिनों तक शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब टोल के आसपास के गांव के लोगों ने टोल पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। ये ग्रामीण आसपास के गांव के लोगों का टोल माफ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पहले जिस कंपनी के पास रामायण टोल प्लाजा का ठेका था, उनके टोल के आसपास के 5 गांव के लोगों को टोल फ्री हुआ था। अम्बाला रेलवे की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। रेलवे SP संगीता कालिया के निर्देश अनुसार DSP धीरज कुमार की अगुवाई में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें रेलवे के कर्मचारी और रेलवे पुलिस के जवानों ने भी ब्लड डोनेट किया। रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें ताकि किसी की जान बचाई जाए। हसीन में फिरोजपुर राजपूत गांव में नीम के पेड़ पर एक 26 वर्षीय युवक का शव लटका मिला। मृतक युवक पिछले 5 दिनों से घर से लापता था। सूचना मिलते ही युवक के परिजन तथा पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता विक्रम के बयान पर गुराक्षर गांव के 6 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पिता ने आरोप लगाया कि वे लोगों मृतक का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, उसे बहला फुसला कर उससे करीब 38 लाख रुपए भी हड़प लिए। झज्जर पुलिस की ओर से वाहन चालकों के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की गई है। पिछले सर्दी के मौसम में धुंध के कारण हुए सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए SP झज्जर वसीम अकरम की ओर से वाहन चालकों के धुंध के दौरान अतिरिक्त सतर्कता से वाहन चलाने का आह्वान किया है। धुंध और कोहरे के दौरान सुरक्षित सफर और सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराना का आह्वान किया गया है। पुलिस की ओर से मौसम को मद्देनजर रखते हुए वाहन चालकों से सफर के दौरान विशेष सावधानी रखने और धीमी गति से चलाने का आह्वान किया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर शहरवासियों को पिछाड़ते हुए फरीदाबाद के कई गांव 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि फरीदाबाद के 8 गांव 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं और तेज गति से वैक्सीनेशन का काम जारी है। शहरी इलाकों में दूसरी डोज 75% हो चुकी है और अभी भी 25% लोग बाकी हैं। लोगों से अपील है कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेशन करवाएं ताकि पूरा जिला 100% वैक्सीनेटेड हो सके। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने SDM कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना कर नारेबाजी की। SDM गुहला को मांग पत्र न और आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क बनाने की एक शिकायत SDM गोला को दी गई। गोला से खरका तक सड़क की हालत नाजुक है, आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महेंद्रगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, SDM को सौंपा है। उन्होंने कहा कि पहले उनका समझौता हो गया था कि उन्हें मानदेय नहीं वेतन दिया जाएगा और कुशल कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक सरकार ने उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमारे साथ वादा खिलाफी की, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। झज्जर लघु सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का धरना प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी रहा, लेकिन सरकार का या जिला प्रशासन की ओर से किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली।
फुलिया खाप तीसरा और अनाज मंडी बेरी भी समर्थन देने का ऐलान किया। आंगनवाड़ी वर्कर सुबह हेल्पर ने कहा कि पोषण ट्रैक्टर ऐप को लागू नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको लेकर विभाग की ओर से उन पर बार बार दबाव दिया जा रहा है। फतेहाबाद के भूना में देर रात बाइक सवार दर्जन भर युवक ने आतंक मचाया। हाथों में रॉड और डंडे लेकर भी सड़क पर आने जाने वाले को पीटकर पूरी घटना सीसीटीवी में कैद की। मोहल्ला वासियों के विरोध करने पर दो युवकों को बुरी तरह से घायल किया। घायल युवकों को भूना के नागरिक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, जहां दोनों युवकों की हालत नाजुक देखते हुए अग्रोहा रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी के दुकानदारों ने 21 दिसंबर को दुकान की खुली बोली रुकवाने पर लड्डू बांटकर पूरे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और कृषि मंत्री जेपी दलाल का आभार प्रकट किया। महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में अस्थायी दुकानदारों को हटाकर वहां स्थायी दुकान बनाने की खुली बोली लगने लगी थी, जिस पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने ऊपर अधिकारियों से बात लेकर सरकार तक बातचीत कर इस बोली को रुकवाया। झज्जर में सफाई कर्मचारी का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। झज्जर नगर परिषद के तमाम सफाई कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने परिषद कार्यालय के बाहर दिन भर धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो हड़ताल जारी रहेगी, अगर समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन सड़कों पर उतर आएगा। रेवाड़ी में शहर में 1 दिसंबर से लागू किए बंद ट्रैफिक व्यवस्था को पुलिस ने लगभग लागू कर दिया है, जिसको लेकर शहर की सरकार ने भी प्रशासन को अपना निर्णय सुना दिया है। पुलिस प्रशासन और अपनी चलाने का बजाय आम जनता की भी सुनकर वन वे व्यवस्था में बदलाव कर अधिकतर पार्षदों ने कहा कि इस व्यवस्था से सर्कुलर रोड अवश्य जाम फ्री हो जाएगा, लेकिन दोनों लेन में तेज रफ्तार वाहनों से एक्सीडेंट भी बढ़ गए हैं। बाजारों में दिन भर जाम लगे रहते हैं, ऐसे में इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए सुबह 10 बजे तक दो तरफा आगमन। फरीदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान में मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर भेज रहा है। अस्पताल में दवाइयों का पूरी तरह से टोटा बना हुआ है। इलाज करने आए लोग दवाई लेने के लिए सिविल अस्पताल के स्टोर पर जाते हैं। लोगों को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। हालांकि अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी दवाई उपलब्ध करा दी जाएगी। झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना खेड़ी पुल के पास भारत कॉलोनी की है, जहां पर बीती रात दो भाइयों में झगड़ा होने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर उसे घायल कर दिया।